टाइप टू में जो कुछ क्वेश्चन है उनको इंटीग्रेशन की हेल्प से करना पड़ेगा। जैसे मान लिया मैं ये एग्जांपल दिया जाए, एन सी जीरो अपॉन से एन माइनस एन सी वन अपॉन एन प्लस वन प्लस एन सी टू अपॉन एन प्लस टू माइनस एन सी थ्री अपॉन एन प्लस थ्री माइन प्लस एंड सो ऑन। मतलब ये क्वेश्चन दिया जाए हमें सॉल्व करने के लिए, ठीक है। सॉल्यूशन, अब इसको हम सॉल्व करेंगे कैसे सोचेंगे, पहले हमें ये तो दिख ही रहा है कि डिनोमिनेटर में टर्म चेंज हो रहा है लगातार, ठीक है। अब अगर मान लिया जैसे इसका मैं जनरल टर्म लिखूं, तो जनरल टर्म कैसे लिखा जाएगा, जनरल टर्म ऐसे लिखा जाएगा एन सी आर अपॉन, ये अगर जीरो है तो ये एन है, ये अगर वन है तो ये एन प्लस वन है, ये टू है तो एन प्लस टू है, तो अगर ये आर है तो नीचे कितना हो जाएगा एन प्लस आर, ठीक है। जो हमारे पास फॉर्मूला है वो ये एन सी आर अपॉन आर प्लस वन, ये फॉर्मूला है। इससे मतलब ये एक ज़्यादा होना चाहिए, बट यहाँ पे तो एक क्या, यहाँ से तो ये एन ज़्यादा हो गया। तो एक तो पहले हमने एग्जांपल ऐसे किया था कि अगर यहाँ पे मान लिया टू लिखा है तो हमने क्या किया कि आर प्लस वन ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया ऐसे, और फिर लगातार दो बार फॉर्मूला लगा दिया इस पर। वो चीज़ अगर यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो तुम्हें दिख रहा है कि पागल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत सारे टर्म मिसिंग है, तो इतने सारे टर्म को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो प्रैक्टिकल अप्रोच बचता नहीं, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, फिर हमने क्या किया, अब बिकॉज क्योंकि एक दो टर्म का डिफरेंस होता है तो हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करके इसको मैनेज भी कर लेते, तो वो तो हो नहीं सकता यहाँ पे, यहाँ पे तो एन का डिफरेंस है, सब्सटेंशियल डिफरेंस है, तो इसलिए विल टेक हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। अब इंटीग्रेशन का हेल्प कैसे लेंगे, उसके लिए तुम इसको ऐसे देखो, सबसे पहले तो जिनको इंटीग्रेशन आता है, ठीक है, मान लिया ये हमारा रफ बोर्ड है, अगर मान लिया मैंने एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट किया तो व्हाट आई विल गेट, एक्स क्यूब बाई थ्री, ठीक है। अगर मैंने एक्स रेज टू पावर फोर को इंटीग्रेट किया तो आई विल गेट एक्स रेज टू पावर फाइव बाई फाइव। अब तुम इसको उल्टा सोचो, अगर मेरे को यहाँ पे डिनोमिनेटर में फाइव चाहिए तो मैं उससे एक कम पावर को इंटीग्रेट करूँगा, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पे तीन चाहिए डिनोमिनेटर में तो आई विल इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर टू, मतलब यहाँ पे पावर में टू, मतलब ये इससे एक कम। अब यहाँ पे आ जाओ वापस, मान लीजिए मेरे को ये एन प्लस वन चाहिए तो मैं एक्स रेज़ टू पावर एन को इंटीग्रेट करूँगा, ठीक है, ये एन प्लस वन क्रिएट हो जाएगा। ऐसे अगर मेरे को ये एन प्लस टू चाहिए तो एक्स रेज़ टू पावर एन प्लस वन को इंटीग्रेट करेंगे, ये ठीक है। विथ दिस थाट हमने सबसे पहले तो ये लिखा कि कंसीडर, जनरल एक्सपेंशन लिखा वन माइनस एक्स रेज टू पावर एन, ठीक है। वन माइनस क्यों लिया, क्योंकि यहाँ ऑल्टरनेट प्लस माइनस आ रहा है, अगर ये सारे टर्म प्लस प्लस वाला होते हो तो हम भी यहाँ पे प्लस ले लेते। इसका एक्सपेंशन कितना होगा, एन सी जीरो माइनस एन सी वन एक्स प्लस एन सी टू एक्स स्क्वायर माइनस एन सी थ्री एक्स क्यूब प्लस एंड सो ऑन, ये होगा, ठीक है, ये आ गया। अब अगर मैं मान लिया इसको ऐसे इंटीग्रेट कर दूँ, ठीक है, तो एन सी वन इस टर्म के इंटीग्रेशन से क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू आएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू आएगा, बट एन सी वन के साथ मेरे को डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, एन प्लस वन। अभी तो मैंने क्या बोला कि अगर एक्स को मैं इंटीग्रेट कर दूं ऐसे ही तो एक्स स्क्वायर बाई टू आएगा, बट मेरे को एन सी, क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है उसमें एन सी वन के डिनोमिनेटर में ये क्या लिखा है, एन प्लस वन, उसका मतलब क्या है कि मेरे को इंटीग्रेट किसको करना चाहिए, एक्स रेज टू पावर एन को इंटीग्रेट करना चाहिए। तो मतलब यहाँ पे एक्स की बजाय अगर एक्स रेज टू पावर एन होता तो इसको इंटीग्रेट करने पे ये टर्म जनरेट हो जाता, उसका मतलब क्या है कि कितना पावर कम है, एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन पावर कम है। ऐसे अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूँ तो क्या आएगा, एक्स क्यूब बाई थ्री आएगा, और जबकि मेरे को चाहिए एन प्लस टू डिनोमिनेटर में, तो उसका मतलब क्या है, क्या बोला अभी हमने कि डिनोमिनेटर एन प्लस टू चाहिए, उसका मतलब क्या है कि एक्स रेज टू पावर एन प्लस वन इंटीग्रेट होना चाहिए, और इंटीग्रेट कौन हो रहा है, एक्स स्क्वायर। तो
इसमें भी पावर का कितना डेफिसिट हो गया एन माइनस वन। उसका होना क्या कि अगर मेरे को ये कोफिशियंट चाहिए तो डायरेक्टली इंटीग्रेशन करने से तो काम नहीं चलेगा, पावर एक्स रेस्ट पावर एन माइनस वन कम पड़ेगा हर टर्म। तो अगर ऐसा है तो हमने क्या किया, एक्स रेस्ट टू पावर एन माइनस वन से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लिया अप्रोप्रिएट पावर बनाने के लिए या फिर डिज़ायर्ड एक्सपोनेंट जनरेट करने के लिए। उससे ये ऐसे हो जाएगा एक्स रेस्ट टू एन माइनस वन इंटू वन माइनस एक्स रेस्ट टू एन इज इक्वल टू एन सी जीरो इंटू एक्स रेस्ट टू एन माइनस वन माइनस एन सी वन इंटू एक्स रेस्ट टू एन प्लस एन सी टू इंटू एक्स रेस्ट टू पावर एन प्लस वन माइनस एंड सो ऑन। ये आ गया, ठीक है, कुछ भी नहीं, ये तो सिंपल बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखा हुआ है। फिर हमने एक्स रेस्ट टू एन माइनस वन से मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट कर लिया, ठीक है। अब इंटीग्रेट करके तुम इसको ऐसे देखो कि मेरे को तो जैसे पहला टर्म हो गया ये राइट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे जो ये पहला टर्म है इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा, एन सी जीरो एक्स रेस टू बाई एन अपॉन एन आ जाएगा। तो मेरे को एन सी जीरो और एन तो चाहिए बट एक्स नहीं चाहिए, ठीक है। ऐसे दूसरे टर्म यहाँ पे इसको इंटीग्रेट किया तो एन सी वन आएगा, एन सी वन तो कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन में तो उसका कोई रोल नहीं है, बट ये जो टर्म है एक्स रेस टू बाई एन इसके इंटीग्रेशन से आ जाएगा एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। अब मेरे को डिनोमिनेटर में तो एन प्लस वन चाहिए बट एक्स रेस टू बाई एन प्लस वन नहीं चाहिए, तो उसका क्या करेंगे। प्लस अगर मैंने इसको इनडेफिनेट इंटीग्रेट किया, ठीक है, तो एक आर्बिटरी कांस्टेंट भी आएगा तो उसका भी वैल्यू वैल्यूएट करना पड़ेगा। अगर मैंने इसको डेफिनेट इंटीग्रेशन किया तो फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन तो लिमिट्स के बीच में होता है, ए और बी के बीच में, तो राइट हैंड साइड में एक बार तो ए रखना पड़ेगा, एक्स की अगर सब जगह पे ए रखा तो एक सीरीज़ आ जाएगा उसमें एन सी जीरो एन सी वन एन सी टू ये सारे आ जाएंगे। फिर एक बार मैंने अपर लिमिट रखा बी रखा तो फिर दोबारा एक सीरीज़ आ जाएगा उसमें एन सी जीरो एन सी वन एन सी टू ये सब आ जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली मेरे को चाहिए क्या, मेरे को तो राइट हैंड साइड पे सबसे पहले तो बात सबसे पहली बार तो ये है कि मैंने इनडेफिनेट की बजाय डेफिनेट इंटीग्रेशन किया ताकि मेरे को आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू ना निकालनी पड़े। इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यहाँ पे तो इंटीग्रेशन की हेल्प से डिज़ायर्ड रिजल्ट निकालने हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं कि वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आर्बिट्रेरी रहेगा, उसका वैल्यू निकल आएगा यहाँ पे क्योंकि दोनों तरफ फाइनाइट कोफिशियंट्स हैं, पहला चीज़। तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन तो मैंने छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया, क्योंकि मैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू नहीं निकालना चाहता फालतू। व्हाट आई वांट कि कोई फालतू कांस्टेंट ना आए, पहला चीज। दूसरा, लिमिट मैंने क्या लिया, लिमिट मैंने लिया जीरो से वन तक। अब क्वेश्चन सबसे पहले तो यही उठेगा जीरो से वन तक ही क्यों लिया, इसलिए लिया कि अगर मैंने मान लिया लिमिट, फिर मान लिया कि ये रफ एरिया है, ठीक है, अगर मैंने मान लिया लिमिट ए से बी तक लिया तो जो राइट हैंड साइड है वो एक बार तो एक्स इज इक्वल टू बी पे वैल्यूएट होगा, फिर माइनस राइट हैंड साइड एक्स इज इक्वल टू ए पे वैल्यूएट होगा, तो इस जगह पे भी कोफिशियंट आ जाएंगे, इस जगह पे भी कोफिशियंट आ जाएंगे, मेरे को तो कोफिशियंट एक ही बार चाहिए। तो इसलिए क्या हुआ कि ए की वैल्यू जीरो लेने से, ये जीरो लेने से क्या हो गया कि ये पूरा टर्म ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेट करने में क्या होगा राइट हैंड साइड में सारे टर्म में एक्स आ जाएगा। तो अगर मैंने लोअर लिमिट जीरो ले लिया तो ये पूरा सीरीज ही ख़त्म हो जाएगा, मतलब एन सी जीरो एन सी वन ऐसा नहीं होगा कि दो दो बार आ जाए, जीरो तो इसलिए लिया, ठीक है। अब वन इसलिए ले लिया क्योंकि जैसे अभी हमने क्या बोला, इसको इंटीग्रेट करोगे तो एन सी जीरो आएगा एक्स रेस टू बाई एन आएगा और नीचे एन आएगा, मेरे को इतना पार्ट चाहिए, ये नहीं चाहिए, तो अगर ये नहीं चाहिए इसलिए मैंने एक्स की जगह वन रख दिया, तो वन रखने पर एक्स गायब हो जाएगा। तो इतना सब बोलने के बाद हमने फाइनली इंटीग्रेट किया जीरो से वन तक, तो लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा जीरो से वन एक्स रेस टू बाई एन माइनस वन वन माइनस एक्स रेस टू बाई एन इंटू डी एक्स, ये तो लेफ्ट हैंड साइड हो गया। राइट हैंड साइड पे अपने आप करके देखो, ये तो कांस्टेंट है इसको तो बाहर छोड़ दिया, एन सी जीरो को तो बाहर छोड़ दिया, पहले टर्म को इंटीग्रेट करते समय एक्स रेस टू बाई एन माइनस वन को इंटीग्रेट करोगे तो एक्स रेस टू बाहर मतलब लिख दिया, चलो राइट हैंड साइड पे ऐसे आएगा एन सी जीरो फिर एक्स रेस टू बाई एन अपॉन एन,
इसको इवेल्यूएट करें 0 से 1, अगले टर्म में आ गया एन सी वन एक्स रेज टू पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन इवेल्यूएटेड बिटवीन 0 एंड 1 प्लस एंड सो ऑन. ठीक है, सो दिस विल बी बिटवीन 0 टू 1 एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन इन टू वन माइनस एक्स रेज टू पावर एन इन टू डी एक्स इज इक्वल टू एन सी 0 1 रखा तो ये एक्स गायब हो जाएगा, 0 रखा तो ये पूरा ही ख़त्म हो गया. तो 1 रखने की वजह से कितना बचा, केवल 1 अपॉन एन. ऐसी अगले टर्म में कितना बचेगा, केवल 1 अपॉन एन प्लस 1. उससे अगले टर्म में कितना बचेगा, एन प्लस टू एन सो. तो यही हमारा रिक्वायर्ड सम था, राइट हैंड साइड रिक्वायर्ड सीरीज थी ये. तो दिस इम्प्लाइज रिक्वायर्ड सम इज इक्वल टू 0 टू 1 एक्स रेज टू पर एन माइनस वन इन टू वन माइनस एक्स रेज टू पर एन इन टू डी एक्स, ये हो गया. ठीक है, अब इस इंटीग्रेशन को निकाल लिया, ये जो इंटीग्रेशन का आंसर होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा फाइनली. ठीक है, अब पहला क्वेश्चन तो ये उठेगा, अगर इंटीग्रेशन नहीं आता है कि कैसे इंटीग्रेशन करें, तो वो तो डेफिनेट इंटीग्रेशन वाले वीडियो में बताएंगे हम कि कैसे इंटीग्रेशन करना है. इसमें वैसे इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इसमें रखेंगे एक्स की जगह साइन स्क्वायर थीटा, ये सब्स्टिट्यूट करो और फिर उसके बाद वो एक फॉर्मूला आता है साइन थीटा रेज टू पावर एन कॉस थीटा रेज टू पावर एम, वो वाला फॉर्मूला लग के आंसर लिख सकते हैं, वो चीज़ लगेगा जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है. तो अगर नहीं आता है तो इंटीग्रेशन तक का वेट करो. ठीक है, लॉजिक हमने समझा दिया, एग्जैक्टली लॉजिक क्या होगा.